डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ की बात करने से पहले नहीं, देखिए आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का दिल तो बीजेपी में क्योंकि उन्होंने 50 साल बीजेपी की राजनीति की, खाली उनका शरीर वहां पर गया है। आपने जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया आपने? हमने जाने इसलिए दिया कि कुछ हमारे लोग वहां भी होना चाहिए। आप कांग्रेस पर रहकर बीजेपी का काम करने गए? नहीं, ये गलत काम है, ये गलत बात है, हम तो कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हाँ, क्या वजह रही डॉक्टर? टिकट नहीं दिया आपको इतने वर्षों तक, दशकों तक इतना आपने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, अचानक छोड़ दिया, क्या वजह रही? देखिए वो एक अलग विषय है, उसमें हम तो उस समय राजनीति में छप थे जब बीजेपी नहीं बनी थी, और उसका कारण यह स्थिति थी कि कभी कभी स्थिति ऐसा होता है व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसका सम्मान भी किया जाए ये आवश्यक नहीं रहता है, बहुत कई बार नहीं होता, लेकिन थोड़ा अपमानित होने की स्थिति बनती है तो लोग परिवार में भी और बाकी जगह में भी अलग अलग हो जाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण मुझको उसको छोड़ना पड़ गया। आपका जैसे मैं पढ़ रहा था आपका जीवन परिचय, इतना लंबा कार्यकाल आपका, और पार्टी ने भी, आप भी मना नहीं करेंगे, आपको काफी कुछ दिया, लोकसभा लड़ाया, राज्यसभा लड़ाया, आयोग का चेयरमैन बनाया, सब कुछ किया, तो इसीलिए ये मन में सवाल उठता है कि अचानक ऐसी क्या खटास पैदा हो गई? वही मैंने बताया ना कि सम्मान घटने लगता है तो दिक्कत है, बनाया हुआ पार्टी का अवसर मिला हमको उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पार्टी के लिए भी हमने बहुत कुछ किया, हम डंडे खाए थे, लाठी खाए थे, सरकार बनाने के लिए 166 लोग घायल हुए थे, उसका नेतृत्व भी हमने ही किया था इसलिए, लेकिन ये परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी जिसको मैंने बताया कि भाई सम्मान ना मिले तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपमान करने की कोशिश ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई जब आप भूपेश बघेल सरकार के दौरान बीजेपी में रहे होंगे तो आप भी इस सरकार की कमियां बताते होंगे, अब अचानक आप पार्टी आपने बदल ली तो वो कमियां जो है खूबियां कैसे बन जाएंगी? देखिए कमियां बेसी सभी जगह सभी पार्टियों में जब वो अपोजिशन में हो पक्ष में हो रहती हैं, वो बात को बताने में कोई दिक्कत कहाँ होगी, हर बार हर समय हर कोई हर दल और हर व्यक्ति सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और हर व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता है पढ़ता है, कोई दल भी है तो उसको कुछ बातें नए सिरे से नए ढंग से सोचने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप भूपेश बघेल सरकार को सुधारने गए कांग्रेस में? सुधारने का सवाल नहीं है, वहां हम अपना योगदान कुछ दे सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। अभी इतने आरोप जो उन्होंने लगाए ब्रजमोहन जी ने, इतने का घोटाला उतने का घोटाला, आपने तो शायद 1,00,000 करोड़ का घोटाला बोला हुआ है इस सरकार के कार्यकाल में, इतना बड़ा इल्जाम है। नहीं इल्जाम है तो कुछ करके दिखाए ना, पार्टी विरोधी दल में जो लोग हैं उसको लेकर के जाए, इतने बड़े बड़े अगर घोटाले हैं तो वो आना चाहिए, कहां पर उस पर कार्रवाई हो सकती है? विरोधी दल केवल इसीलिए रहता है कि सरकारें कुछ गड़बड़ ना कर सकें, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनका अब कर्तव्य ये है, उनकी ड्यूटी ये बनती है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई में आगे बढ़े। ईडी सीबीआई भेजते हैं जांच के लिए तो मुख्यमंत्री कहते हैं कुत्ते बिल्लियां इतनी नहीं घूमती जितनी ईडी सीबीआई आईटी घूमती है। नहीं कोई भी कुछ कहे लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो रही है जब तो हम अंजाम तक पहुंचाते हैं तो मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं, जब हम अंजाम तक पहुंचाते हैं 2 IAS जेल में, 2 विधायक कटघरे में, सीएम की सेक्रेटरी जेल में, सीएम के खास लोग जेल में, जब वो जेल में जा रहे हैं तो हमारे आरोप तो सही साबित हो रहे हैं ना। अभी तो कितने लोग जेल में जाएंगे जो चुनाव आ गया, 5,000 करोड़ रुपए का धान घोटाला उसकी जांच हो रही है, गरीबों के धान तक को इन्होंने खा गए, केंद्र सरकार के पैसे मिलते हैं लघुनोपज खरीदने के लिए उसके पैसे खा गए, हर चीज धान में 2100 रुपए मोदी जी देते हैं ये खाली 500 रुपए देते हैं, नाम अपना लिखवा लेते हैं, खाली इनको और कोई काम नहीं है।